गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र। घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बुक का रिव्यू लेकर आए हैं, डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर्स हम लेकर आए हैं। इसमें आपको 8 टेक्निकल सब्जेक्ट और 8 आपके सेकेंड पेपर यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का डिटेल सोल्यूशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस पे आपको न्यू वीडियो मिलती रहती है, न्यू जॉब की अपडेट्स मिलती रहती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी आपको मिलती रहती है। तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ssgcp.com पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या हमारे ऑनलाइन शॉप shop.ssgcp.com पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फेसबुक पे डेली बेसिस जीएस क्वेश्चन अगर अपडेट करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो समसामयिक घटना चक्र घटना के नाम से ट्विटर अकाउंट है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देते रहूँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9792767699। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें जो आपके टेक्निकल और नॉन टेक दोनों होंगे, सबसे पहले डीएमआरसी का सिलेबस मैं बता दे रहा हूँ। डीएमआरसी का सिलेबस 2 पेपर का होता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 75 आपके सब्जेक्टिव वाइज यानी टेक्निकल क्वेश्चन और 45 आपके नॉन टेक होते हैं। साथ ही साथ सेकंड पेपर जो होता है वो 60 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है एग्जाम। 60 क्वेश्चन में आपको 24 नंबर मिनिमम 40% लाना जरूरी होता है, वो आपके इंग्लिश पोर्शन हो गए, ठीक है। इस बुक में जो लैंग्वेज यूज की गई है, बायलैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों यूज की गई है। अब हम देखते हैं कौन कौन से इसमें आपको सॉल्ट पेपर्स दिए जा रहे हैं। तो डीएमआरसी के जो भी पेपर आज तक हुए हैं, 2018 में 3 पेपर हुआ था, 1, 2, 3, 18 अप्रैल, 13 अप्रैल और 12 अप्रैल को हुए थे। फर्स्ट पेपर टेक्निकल था, सेकंड आपके इंग्लिश का था, तो तीनों के सेट आपको मिलेंगे। 2017 में 2 सेट हुआ था, तो वो दोनों सेट आपको मिल जाएगा, 16 अप्रैल को हुआ थे। इसके अलावा 2015 में 2016 का एक सेट हुआ था, 2015 के में एक सेट हुए थे, 2014 में एक सेट हुआ था। तो टोटल 8 सेट में 8 पेपर टेक्निकल यानी 75 क्वेश्चन टेक्निकल के आपके मिल जाएंगे, तो टोटल 600 क्वेश्चन हो गए। और 60 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के सभी पेपर मिल जाएंगे, 480 क्वेश्चन वो हो गए। 45 आपका नॉन टेक हो गया, तो वो आपको 270 क्वेश्चन, 360 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के नॉन टेक पोर्शन के मिल जाते हैं। देखिए लैंग्वेज जो यूज की गई है, बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों है। मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। जैसे आपको ये क्वेश्चन है, द वेट ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक विथ मोर्टार शुड बी अराउंड, यानी कि मानक मसाला सहित मानक ईंट का भार लगभग होना चाहिए 1.5 kg, 3 kg, 1 kg एंड 2 kg। तो आंसर आपका होगा बी, यानी कि 3 kg। डिटेल सोल्यूशन भी दे दिया गया है। डिटेल सोल्यूशन का बेनिफिट ये होने वाला है कि इससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके भी आंसर आप दे सकेंगे, इसलिए और स्टूडेंट का कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर रहे, उसके लिए यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सोल्यूशन देखते हैं, तो मसाला सहित ईंट का भार लगभग 3 kg होता है, होना चाहिए। भारतीय मानक के अनुसार मानक ईंट का भार औसतन 3 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम लिया जाता है। परीक्षण में यह पाया गया है कि एक घन मीटर मृदा का भार लगभग 1800 किलोग्राम होता है। यह आपके इस क्वेश्चन के डिटेल्स हो गए। इसके अलावा हाईलाइटेड पॉइंट क्या है इसमें, कि मानक ईंट है तो मानक ईंट का जो आकार है वो कितना होना चाहिए, तो 19×9×9 सेंटीमीटर होता है, और मानक ईंट का सामान्य साइज जो होता है 20×10×10 सेंटीमीटर लिया जाता है। ईंट की व्योमा की जांच के लिए मिनिमम 20 ईंटें ली जाती हैं। प्रथम श्रेणी की ईंट की जल अवशोषण क्षमता इसके सूक्ष्म भार का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो 35 kg/cm² से कम सामर्थ्य की ईंट की चिनाई में प्रयोग नहीं की जाती है। ये थर्ड क्लास ब्रिक की सामर्थ्य है। फर्स्ट क्लास ब्रिक की सामर्थ्य 105 kg/cm² होती है। तो ये डिटेल आपके दी गई इस क्वेश्चन की। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन की डिटेल सोल्यूशन दिया गया है। ये आपके टेक्निकल पोर्शन हो गए। जैसे यहाँ पे आपके टरबाइन का क्वेश्चन दिया गया है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज गिवन बाई द फार्मूला। तो स्पेसिफिक टरबाइन के विशिष्ट गति को निम्न सूत्र से मापा जाता है, तो ये आपका फार्मूला है N√P/h^5/4। आंसर है यहाँ पर दिया गया है। टरबाइन के अलावा पेल्टन विंड टरबाइन की एन की वैल्यू विशिष्ट गति क्या होती है, 10 से 35 होती है। पेंटल विंड टरबाइन बहुजेट यानी सिंगल जेट मल्टी जेट 35 से 60 होती है। फ्रांसिस टरबाइन की 6
60 से लेकर 300 तक होती है, और कैप्लान टर्बाइन की आपकी 300 से ज़्यादा होती है। इसके अलावा कैप्लान तथा प्रोपेलेंट टर्बाइन का लो हेड तथा विसर्जन उच्च होता है। कैप्लान टर्बाइन में रनर पर वेन की संख्या 3 से 8 होती है। फ्रांसिस फोरियान तथा गिराड टर्बाइन प्रतिक्रिया टर्बाइन के उदाहरण है। पेल्टन व्हील टर्बाइन एक स्पर्श रेखी प्रवाह वाली आवेग इम्पल्स टर्बाइन है। तो पेल्टन व्हील टर्बाइन एक आपके स्पर्श रेखी प्रवाह वाली टर्बाइन होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की इतनी सारी डिटेल मिल गए हैं, तो काफी एक क्वेश्चन के डिटेल से आपके 8 से 10 क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं, ये आपको मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश पोर्शन में जो सेकंड पेपर आपका इंग्लिश का होता है उसके भी डिटेल साथ में ही दी गई है, तो उसमें भी आपकी कई चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन दिया है 120 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाई दिस कंपनी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका सही है कि दिस कंपनी एम्प्लॉयज ओनली 20 वर्कर्स। तो दिया गया वाक्य पैसु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसका एक्टिव वॉइस संज्ञानात्मक होगा, तो अतः विकल्प ए आपका सही है। ये आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सेंटेंस गिवन, ही ब्रॉट नाइदर हिज बुक और हिज पेंसिल, तो आंसर आपका ए सही है। इसमें क्या करता है, एरर फाइंड करना था, तो और यहाँ पे होगा, यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि और क्यों होगा। वाक्यांश ए त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पे करेक्टिव कंजक्शन के स्थान पर नॉर का प्रयोग उचित होगा। नियम यह है कि नाइदर के बाद नॉर का प्रयोग होता है और का नहीं, आइदर के बाद और का प्रयोग किया जाता है नॉर का नहीं। इस प्रकार बोध के पश्चात एंड का प्रयुक्त होता है एज वेल एज नहीं, टफ दो के बाद एट आता है बट नहीं, हार्डली स्केडली के बाद वेन अथवा बिफोर आता है देन नहीं, नो सूनर के बाद देन का प्रयोग होता है वेन का नहीं। जैसे ही नाइदर गुड नॉर बैड, वह ना तो अच्छा है ना तो बुरा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है, और आपको कई और चीज़ों की डिटेल यहाँ पे दी गई है, जो करेक्टिव कंजक्शन होते हैं उसकी भी डिटेल दे दिया गया है, तो ये आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। इसकी सैंपल के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। DMRC की और भी ब्रांचेस की बुक हमारे पास अवेलेबल है, जो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सिविल इंजीनियरिंग की हर प्रश्न पत्र स्पेशल आती है, वो हमारी है इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और LMRC के स्पेशल सॉल्व पेपर्स और भी होते हैं। यहाँ पे बुक के बैक कवर में आपको मोबाइल नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दिए गए हैं, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसी और बुक का रिव्यू चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।